हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल का सेकंड पार्ट, जो कि है आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया था, जो कि था नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर। फ्रेंड्स, इसकी देखिए जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये इसका 3 पार्ट के वीडियो मैंने, मतलब कि एक एक पार्ट में डिवाइड है इसके टॉपिक्स जो हैं। तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट था जो हमने बना दिया है वो था नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, और जो सेकंड है जो हम बना रहे हैं आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, और थर्ड है नाइट्रोजन सर्कुलेशन पे। तो ये 3 पार्ट हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन साइकिल से ही जुड़े हुए हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आप हमारे जो और भी सारे वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए, ज़्यादा आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ही देख लीजिएगा, ताकि आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट का ये 24 टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, और इससे पहले हमने 23 टॉपिक बना दिए हैं, और भी सारे टॉपिक्स पे उसको डिटेल में समझाया भी है आपको, जो तो कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट के चैप्टर में इंक्लूड था। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पे दिया है आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इससे पहले नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन था, आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पे जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस वेयर इन अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। देखिए, ये जो अमोनिया की जो प्रिपरेशन होती है थ्रू हैबर्स प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे जो अमोनिया होता है वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय रिएक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब एक एटमोस्फेरिक रिएक्शन के थ्रू ये जो अमोनिया है वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है, एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो प्रेजेंस होता है एक कैटलिस्ट में। तो इसे इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए, अब अमोनिया का कैसे प्रोड्यूस होती है वो बताया था, अब यहाँ पे बता रहा है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, यहाँ पे अमोनिया के थे। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एज नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ एयर। देखिए, नाइट्रिक एसिड की जो प्रिपरेशन है एज नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक रूप ले लेता है बाय ऑक्सीजन, मतलब कि जो ये नाइट्रिक एसिड है ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन के द्वारा वो अपना रूप बना लेती है नाइट्रिक एसिड से नाइट्रिक ऑक्साइड में, एंड नाइट्रोजन बाय द पैसेज ऑफ एयर। और जो नाइट्रोजन होता है वो बाय द पैसेज ऑफ एयर, एयर के पैसेज के द्वारा। नाइट्रिक एसिड इज ट्रांसफर्ड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, जो नाइट्रिक एसिड है वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बाय कंबाइनिंग विद मोर ऑक्सीजन, मतलब कि किसके द्वारा होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं उसको कंबाइन करके ये इस तरह से होता है, मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ट्रांसफॉर्म होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बाय कंबाइनिंग विद मोर ऑक्सीजन, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं उनकी कंबाइनिंग से। देखिए फ्रेंड्स, ये तो था छोटा सा टॉपिक, बिकॉज कि ये मिडिल क्लास के बच्चों के लिए ही है, क्लास 8th में ही आता है हमारा कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट का चैप्टर। तो जिस हिसाब से बच्चे होते हैं उसी हिसाब से हम उनको आंसर भी बना के देते हैं, उसी हिसाब से उनका टॉपिक भी होता है। और अगर बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बड़ा मतलब डिटेल में दिया होगा, बट यहाँ पे छोटे क्लास के बच्चों की बात आती है तो उनके लिए शॉर्ट फॉर्म में ही दिया होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हमने यहाँ पे इसका साइन भी बनाया है, ये लाइक का, शेयर का एंड सब्सक्राइब का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा जो थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, नाइट्रोजन साइकिल का जो थर्ड पार्ट है नेचुरल सर्कुलेशन, वो जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।